हाँ जी, ग्रेट मॉर्निंग। मैंने कहा है आप लोगों से कि यार आने वाले कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स में हम बिज़नेस के बारे में और थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करके उसे ओवर कर देंगे, ताकि हम हमारे OCM दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पहला टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके, इन दोनों को बहुत अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करें और जल्दी से इसको स्टार्ट करें। तो ये लेक्चर या फिर इसके बाद वाले लेक्चर तक में भी हो सकता है कि मैं बिज़नेस के बारे में और डिस्कस करूँ आपसे, उसके बाद में इसके बारे में बिल्कुल भी आपके साथ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है और पढ़ना है बेटा। अगर आपने बेसिक लेक्चर्स अगर इग्नोर कर दिए तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अंडरस्टैंड करना, ओके। अब इसे अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि क्यों बिज़नेस इंपॉर्टेंट है, क्यों बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं, है ना। बार बार बोल बोल के मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार बिज़नेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसी के लिए सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। तो जब तक आप बिज़नेस अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होने वाला है, क्लियर। हाँ, तो अब सबसे पहले चलो जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। इन ऑर्डिनरी वर्ड बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, बिजी एंड नेस। बिजी मीन्स बींग इन्वॉल्व, नेस मीन्स रेगुलर। बींग इन्वॉल्व रेगुलर इन एनी एक्टिविटी दैट्स योर बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी में अगर आप रेगुलरली इन्वॉल्व हो तो वही आपका क्या है, बिजनेस। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ना है कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स के अंदर मैंने आपसे कहा बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है इट्स अ सीरीज ऑफ मेनी इवेंट्स, एक बहुत सारे इवेंट्स की एक सीरीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। और ये इवेंट्स जैसे कि क्या, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर क्या आता है, सेलिंग एंड बाइंग, उसके बाद अकाउंटिंग आ गया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, देन ये सारी चीज़ें एट्सेट्रा, जितने भी इवेंट्स हैं सब इसके अंदर आ गए। और इन इवेंट्स के लिए हम क्या लगा रहे हैं, रिसोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, रिसोर्स। बिजनेस के अंदर रिसोर्स लगा रहे हैं, कौन से रिसोर्स, M5, कौन से बेटा, देखो उंगली पे गिनने का है ना, बोलो कौन सा, मैन, मनी, मशीन, मेथड और मटेरियल, 5 रिसोर्सेज, बिल्कुल। तो इन रिसोर्सेज को बिजनेस के अंदर लगाया जा रहा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप ये लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 8, हाँ जी ये लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 8। तो प्लीज़ अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 नहीं देखे तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, जल्दी से क्विक। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे टॉपिक से या फिर हमारे सब्जेक्ट से इतना क्या रिलेशन है कि हमें बिज़नेस अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो आज हम एनकाउंटर करेंगे हमारे टॉपिक का, हमारे सब्जेक्ट का, जिसका नाम है OCM दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, मैंने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। लेट्स एनकाउंटर द नेम ऑफ आर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के नाम का एनकाउंटर करते हैं, इनके तीनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर समझते कि यार बिजनेस ही क्यों इंपॉर्टेंट था इन सब के लिए, बिजनेस को हम सेंटर क्यों बोल रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वर्ड, ये कौन सा वर्ड बेटा, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के बारे में आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। आपको टॉपिक था 11th में कौन सा बेटा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो उसमें हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन देखा था ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन था पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, क्या था बेटा, पर्सन, ये मैंने बनाया पर्सन, और ग्रुप ऑफ पर्संस जिसमें मे बी 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, जो भी हो, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन को सीधा सीधा क्या बोलता हूँ, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, उसी को मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस के अंदर आपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, JHEF, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड देन क्या आता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये सब नाम है बेटा, ये सब टाइप्स है,
क्या है टाइप्स, किसके टाइप्स है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हाँ पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है। जैसे समझकर चलिए, जैसे हम पढ़ते हैं सोल ट्रेडिंग, हाँ जी हाँ, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, प्रोपराइटरशिप है ना, सोल प्रोपराइटर, सोल एंटरप्रेन्योर या फिर सोल ट्रेडर। तो उसमें हम देखते हैं कि कितने पर्सन होते हैं, सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस करता है, सिंगल पर्सन ही होता है जो उसको रन करता है, सारी चीज़ें सिंगल पर्सन करता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म से लेकर JHEF और उसके बाद जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो भी है ना, इन सब में हम क्या देखते हैं, इन सब में हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पर्सन रहे या ग्रुप ऑफ पर्सन रहे, हम सबको मिलाकर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एक सिंगल पर्सन है तब भी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग भी है तो उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात बताओ, सॉरी बेटा एक बात बताओ, बिजनेस अपने आप होगा क्या? बिजनेस के अंदर इवेंट्स, बहुत सिंपल है बेटा, बिजनेस को मैंने क्या बोला था, सीरीज ऑफ एन इवेंट्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, अभी लिखूंगा नहीं, लिखा हुआ है, नोट डाउन करने के लिए बोला था, बराबर है। बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस एक सीरीज है इवेंट्स की, मार्केटिंग, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्या हो गए, इवेंट्स। तो ये इवेंट्स अपने आप होंगे या उनको ये लोग परफॉर्म करेंगे? अरे मेरी जान, परफॉर्म करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर टीचिंग परफॉर्म हो रही है, टीचिंग क्या हो गया, एक्टिविटी। तो टीचिंग अपने आप हो रही है क्या? टीचिंग अपने आप नहीं हो रही है, टीचिंग को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर के जितने भी इवेंट्स है या फिर बिजनेस है, वो अपने आप नहीं होने वाला है, उसे कोई परफॉर्म करेगा। तो जो उसे परफॉर्म करेगा उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग बेटा, अंडरस्टैंड हो रहा है? यहाँ जाना चाहिए, सब बुक में रजिस्टर में रखकर कोई मतलब नहीं है, सब यहाँ होना चाहिए, वो सब अपने आप आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, जस्ट बिलीव, है ना बेटा, बिलीव। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन सिंपली ग्रुप, सॉरी बेटा, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसा पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस को, देखना इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सुनना बेटा, है ना, ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, क्या कर रहे हैं, रन, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल, क्या कर रहे हैं, मैनेज, क्या कर रहे हैं बेटा, मैनेज। अच्छा, क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट, क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट, क्या ले रहे हैं, रिस्क, टेकिंग रिस्क। तो ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो तो ह्यूमन बींग है। बिजनेस में लॉस हो रहा है मतलब किसको लॉस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसको प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस कंट्रोल हो रहा है या किया जा रहा है, किया जा रहा है। बिजनेस को रन किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सब्जेक्ट का पहला वर्ड है, होप यू आर गेटिंग, है ना। तो बिजनेस को जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन रन करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मैनेज, प्रॉफिट अर्न करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्या बोला, समझ में आया, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके सब्जेक्ट का पहला वर्ड है। गेटिंग और नॉट गेटिंग, मुझे पता है अंडरस्टैंड हुआ होगा, है ना। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है कॉमर्स। देख लो बेटा कौन सा वर्ड है यहाँ पर, कॉमर्स वर्ड है, दिख रहा है कॉमर्स, तो चलो कॉमर्स को एक तरफ रख देते हैं। अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स को अंडरस्टैंड करो, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स को हम बोलते हैं, कॉमर्स इज द फील्ड, कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है, ओके, जो बिजनेस को करती है हेल्प, जो बिजनेस को क्या करती है, हेल्प, अंडरस्टैंड करना बेटा, बिजनेस को क्या करती है, हेल्प थ्रू इट्स सर्विस, किसके थ्रू, सर्विसेज के थ्रू। ये क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके, जिससे बिजनेस को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब जैसे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक मुझे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो सिंपली सर्विस, कौन सी सर्विस, बैंकिंग,
मेरे बिजनेस का मैंने क्या करवा के रखा, इंश्योरेंस। बिजनेस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो बिजनेस को हेल्प करती है, कौन सी, ट्रांसपोर्ट। वैसे ही कुछ और एक्टिविटी जैसे कि गोडाउन या वेयरहाउस, जहां पर क्या रखा जाता है, जहां पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम किसको हेल्प कर रहा है, बिजनेस को पैसा देने के लिए, है ना, लायबिलिटीज वगैरह हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बेटा। इंश्योरेंस बिजनेस को सिक्योर करता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से बिजनेस आज के डेट में एक जगह पर ना रहते हुए लोकल से ग्लोबल लेवल तक चला गया, तो किसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा टॉपिक है बेटा आपको, है ना, बिजनेस सर्विसेज। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा ना, उतना बड़े लेवल पर बिजनेस जाएगा, उतने बड़े लेवल पर बिजनेस जाएगा। अभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ, है ना, मीडियम उतना स्ट्रांग है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हो और आप घर पर बैठकर भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हो। सो ये सब क्या है, सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयरहाउस हो गया, है ना, तो एटसेट्रा जो भी है अभी नहीं देखना है। तो कॉमर्स क्या कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है आपको हेल्प, किस चीज़ के लिए, बिजनेस करने के लिए। बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी दे रही है, ट्रांसपोर्ट आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने के लिए हेल्प कर रहा है, और वेयरहाउस के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स स्टोर की जा रही है। ओके, वन मोर अगर हम देखें, है ना, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिसमें आज की डेट में सब कुछ आ गया, पहले लेटर्स पोस्ट होते थे ना पोस्ट बॉक्स में, वो लेटर्स वगैरह के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, फिर टेलीफोन हुआ, अब इंटरनेट हो गया। तो यार ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, बिजनेस को हेल्प कर रही है, और जो भी बिजनेस को हेल्प करेगा हम उसको सीधा बोलेंगे कि यार वो एक तरीके से किसके अंदर इन्वॉल्व है, कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टूड द सेकेंड टर्म कॉमर्स, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट, रन, कंट्रोल, मैनेज द बिजनेस, अर्न द प्रॉफिट एंड टेकिंग अ रिस्क। बिजनेस का पूरा रिस्क कौन ले रहे, ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है ना बेटा। देन दूसरा वर्ड कौन सा था, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कॉमर्स का मतलब हुआ फील्ड्स विच हेल्प बिजनेस थ्रू मेनी सर्विसेस, ऐसी फील्ड्स जो बिजनेस को हेल्प करती है बहुत सारी सर्विसेज के थ्रू, वो सब किसके अंदर आ गई, कॉमर्स के अंदर आ गई। जैसे कि क्या, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयरहाउस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एटसेट्रा जो भी है। तो ये था आपका कॉमर्स। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, ओके, जिसके टॉपिक्स है आपको, जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें स्टार्ट करना है। यार जो आपका थर्ड टर्म है यहाँ पर, ध्यान दो, कौन सा टर्म है यहाँ पर, मैनेजमेंट। कौन सा टर्म है यहाँ पर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। आई होप आपको यहाँ पर दिखेगा ना, ये देखो मैंने ये साइड में कर दिया, मैं ये यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैनेजमेंट। तीसरा टर्म कौन सा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई छोटा सा टर्म नहीं है आज की डेट में, है ना, ये बहुत बड़ा टर्म है। कौन सा, मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करो। अब ये जो बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है वो कोई एक सिंगल टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, आते बेटा इवेंट्स, है ना, आपने पढ़ा होगा ना बेटा पहला, इसके पहले के लेक्चर्स, तो आपको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड होगा, इसलिए सारे लेक्चर्स बराबर देखो, है ना। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इवेंट्स, और इवेंट्स में क्या लगाया जाता है, इवेंट्स में लगाए जाते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को हमने नाम दे के रखा है M5। अब जैसे ही मैं M5 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए यार ये M5 क्या है, क्या है M5, मैन, मनी, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। सीधा सीधा यार एक बात बताओ, ये जो मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल लगाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये बहुत ही छोटे लेवल पर लगाया जाता है? हम बड़े बड़े बिजनेस के बारे में बात करेंगे अब, है ना, टाटा अंबानी को दिमाग में रख के बात करने का, अरबों का बिजनेस है, अरबों रुपया लगाया गया, है ना, अरबों रुपया लगाया गया, बिलियंस में बिजनेस हो रहा है, वर्कर्स देखो तो लाखों में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ओके, मटेरियल देख लो, मशीन्स देख लो तो करोड़ों रुपये के मशीन्स लग रहे हैं।
तो यार जो वो इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कहीं पर भी मिस्टेक होगी ना तो करोड़ों में नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा? करोड़ों में। तो यार ये नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाने वाला है मैनेजमेंट? अभी मैं डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए क्या किया जाने वाला है मैनेजमेंट? क्या करने वाले बेटा? मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे, बिजनेस के इवेंट्स के लिए कर रहे, उसके रिसोर्सेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके रिसोर्सेस को सही तरीके से अलोकेट करने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो आपका ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये इस टर्म के, कौन सा टर्म बेटा? बिजनेस। ये जो टर्म है ना बेटा बिजनेस, ये इस टर्म के सराउंडिंग में है। मतलब ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये तीनों काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है, उसको स्टार्ट कर रहा है, रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, पैसा कमा रहा है, रिस्क ले रहा है। इसी बिजनेस को एक तरीके से सिक्योर करने के लिए, पैसा उठाने के लिए जो फील्ड्स इन्वॉल्व है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो फील्ड्स इन्वॉल्व है, उनको हमने बोला कॉमर्स। जिसकी हेल्प कौन लेगा बेटा? ऑर्गेनाइजेशन लेगा। कौन लेगा इसकी हेल्प? ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है, इनकी हेल्प लेगा। जैसे मुझे पैसा उठाना है, बैंक में जाऊंगा, मेरा फैक्ट्री है उसका इंश्योरेंस करवाऊंगा, गोडाउन बनाऊंगा, ठीक है। एंड देन यही ऑर्गेनाइजेशन बेटा, यही ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? देखो, स्टार्ट, रन, कंट्रोल, और क्या करता है? मैनेज। इसी का मतलब, यही जो वर्ड है मैनेज, यही हम बोल सकते हैं कि यही क्या है बेटा? यही है मैनेजमेंट, है ना? यही क्या है? मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी, है ना? क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है? बिजनेस एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं और बहुत सारे क्या लग जाते हैं उसमें? रिसोर्सेज, जो कि हम क्या बोलते हैं उसे? M5, मैन, मनी, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। मैन लाखों में काम करते हैं, किसी बड़ी सी कंपनी की अगर बात करें तो ना, किसी से अच्छे खासे बड़े से बिजनेस की बात करें तो लाखों में लोग वहाँ पर काम करते हैं। मशीन्स, बड़ी बड़ी करोड़ रुपए की मशीन्स होती है। मेथड्स ऐसी नहीं होती है, मेथड्स बनाते हैं समझ के चलिए एक्सपर्ट लोग, तो एक्सपर्ट लोगों को रखना पड़ता है, वो एक मेथड्स बताते हैं, एक तरीके से साइंटिफिक वे को ध्यान में रखकर, साइंटिस्ट बोल दो ये वगैरह, ये लोग मेथड्स लाते हैं, नहीं नहीं तो उनको परचेस करना पड़ता है, करोड़ों रुपया लगाया जाता है नई नई मेथड्स को एक तरीके से इन्वेंट करने के लिए, है ना। देन मटेरियल, रॉ मटेरियल, करोड़ों करोड़ रुपये का रॉ मटेरियल होता है ना। चाइना से रॉ मटेरियल आना बंद हो गया तो इंडिया पे देखा ना कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें इसलिए क्या बनना है? आपने सुना होगा, है ना, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, है ना। कैसे बनना है? आत्मनिर्भर। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट पड़ता है यार, करोड़ों रुपये की चीज़ चल रही है। अगर इस करोड़ों रुपये के इसमें ये जो रिसोर्सेज, अगर ये सही तरीके से रिसोर्सेज जो है ये अगर अलोकेट ना हो, मैंने लास्ट लेक्चर में एक वर्ड यूज़ किया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर उसे लोकेट ना करे, छोड़ो अलोकेशन वर्ड, छोड़ो लोकेट वर्ड ध्यान दो, लोकेट करना यानी कि लोकेशन पे लगाना। लोकेशन समझ में आती है ना, किसी पर्टिकुलर जगह को हम लोकेशन बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पर लोकेट करना, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रोडक्शन में सही इंसान जाना चाहिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल में, बाय में, हर जगह पर अलग अलग इंसान होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट। मैंने अभी भी ऑफिशियल डेफिनेशन दिया नहीं है, अब मैं तीनों के ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ ही आपसे बात करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल डेफिनेशन यही है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट, रन एंड कंट्रोल द बिजनेस, मैनेज इट, अर्न प्रॉफिट एंड टेकिंग रिस्क, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्स के लिए अगर ऑफिशियल डेफिनेशन है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई आ रहा है तो नोट डाउन कर लिया करो, है ना, क्या? सिंपली, इट्स अ फील्ड विच हेल्प टू बिजनेस थ्रू मेनी सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। एंड देन मैनेजमेंट। वॉट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज सिंपली, मैनेजमेंट को हम सिंपली ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस को मैनेज करने का काम करती है, हैंडल करने का काम करती है। अब हम मैनेजमेंट के वर्ड के टूवर्ड ही मतलब बात करेंगे, है ना, बाकी किसी चीज के टूवर्ड बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी वर्ड के टूवर्ड बात करेंगे। कौन सा वर्ड? मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं
जिसके मैंने आपसे कहा है कि हाँ जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ब्रेक, तो हो सकता है कि इसी के साथ वीडियो मर्ज होकर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो नेक्स्ट इसमें मिले आपको, है ना। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिंपली किसके बारे में बात करेंगे, फिर से OCM, तीन वर्ड को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, हम मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस में रखेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के बेस में हम आगे बढ़ने वाले हैं। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, राइट। थैंक यू सो मच।